फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए से रिलेटेड अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीडीए अपनी स्कीम 19 अगस्त को लॉन्च करने जा रहा है और 19 अगस्त को ही डीडीए का ब्रोशर आएगा और डीडीए के ब्रोशर में अपनी स्कीम से रिलेटेड डीडीए सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वहाँ पर मैंशन करेगा। तो 19 तारीख को ही डीडीए का ब्रोशर आएगा। फ्रेंड्स, यदि आप भी दिल्ली के अंदर अपना फ्लैट बुक करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मेहनत की कमाई फ्लैट में तो लग जाएगी। फ्लैट तो आप खरीद लेंगे लेकिन उसका आउटपुट जो है ज़ीरो आएगा, उसका आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, हम इंडियंस में एक बड़ी कॉमन सी बात है, हम लोगों का कहना यह होता है कि भाई प्रॉपर्टी में पैसा डाल दो और 10 साल तक के लिए भूल जाओ, 10 साल बाद प्रॉपर्टी हमें दुगना आउटपुट देगी। मतलब 20 लाख की प्रॉपर्टी ली, 10 साल बाद हमें 40 लाख रुपए देके जाएगी। हम इंडियंस ऐसा सोचते हैं और ख़ास तौर पे जब प्रॉपर्टी दिल्ली में हो तब तो बात ही कुछ अलग है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी के अंदर अपना फ्लैट होना, अपना घर होना एक अलग ही बात है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डीडीए लगभग 40,000 फ्लैट्स की स्कीम लाने जा रहे हैं, जिसको लेकर लोग काफ़ी एक्साइटेड है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल के जो पुराने व्यूअर्स हैं वे लोग ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं और जो लोग दिल्ली के बाहर के हैं वे लोग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। फ्रेंड्स, ज़रा हम इस स्कीम के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस एक्साइटमेंट वाले टॉपिक पे भी आएंगे, हम समझेंगे इस बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि डीडीए अपनी स्कीम 19 अगस्त को लॉन्च करेगा, तो ऐसा नहीं है कि 19 अगस्त से ही आपके फ्लैट की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। 19 अगस्त से फ्लैट की बुकिंग नहीं होगी, 19 तारीख को तो डीडीए अपनी स्कीम लॉन्च करेगा। बुकिंग के लिए लगभग 10 दिन का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट हफ्ते से लेकर 10 दिन तक का टाइम डीडीए देगा। और बुकिंग किस दिन से स्टार्ट होगी ये डीडीए के ब्रोशर में मेंशन होगा। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीडीए एक स्कीम लेके आएगा, डीडीए सस्ता घर आवास योजना 2024, दूसरी एक बताया था मैंने डीडीए मध्यम वर्गीय आवासीय योजना 2024। फ्रेंड्स, इन दोनों स्कीम में जो फ्लैट्स की बुकिंग होगी वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे होगी, यानी कि जो सबसे पहले अपना फ्लैट बुक कर देगा, मतलब जो बुकिंग अमाउंट डीडीए वहाँ पे फिक्स करेगा, बुकिंग अमाउंट पे कर दो, आपके नाम पे फ्लैट बुक हो गया। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब यह होता है। फ्लैट की बुकिंग कैसे करनी है पूरा प्रोसेस ऑलरेडी मैंने आपको समझा रखा है। 2023 की जब स्कीम आई थी वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम थी, उसमें मैंने आपको सारा प्रोसेस बता रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी अब डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सर्च करके देख लेना, उसमें आपको एक एक चीज़ मैंने बता रखी है। तो बुकिंग के प्रोसेस वाले वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। फ्रेंड्स, बुकिंग से पहले एक चीज़ आपको और करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर डीडीए की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करना होगा, यानी कि आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। यूज़र आईडी तो आपका पैन कार्ड ही हो जाएगा, यानी कि आपका पैन नंबर हो जाएगा, और पासवर्ड आप जनरेट कर लेना। तो सबसे पहले आपको डीडीए के पोर्टल पे अपना रजिस्टर्ड मतलब पैन नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। पैन नंबर कैसे रजिस्टर्ड करना है उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने ऑलरेडी दे रखी है, 2021 में दी थी। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, देख लेना कि कैसे पैन नंबर को रजिस्टर्ड करना है। फ्रेंड्स, पैन नंबर को रजिस्टर्ड करने के बाद, यानी जब आप अपना पैन नंबर डीडीए के पोर्टल पर रजिस्टर्ड करके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको एक अमाउंट पे करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। वह अमाउंट जो आप पे करेंगे वह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए यह अमाउंट जो है कंपलसरी पे करना होगा। अब यह अमाउंट कितना है फ्रेंड्स, 2022 में जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम डीडीए ने लॉन्च की थी तो उस समय डीडीए ने लिए थे 1300-1350 रुपये, लेकिन 2023 में जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम डीडीए ने लॉन्च की थी तो उस समय डीडीए ने लिए थे 2500 रुपये। यानी कि आपको फ्लैट की बुकिंग करने से पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा सबसे पहले डीडीए की वेबसाइट पे, देन उसके बाद एक लमसम अमाउंट जो डीडीए अपने ब्रोशर में बताएगा उस अमाउंट को आपको पे करके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। आप बिना अमाउंट पे किए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में फ्लैट बुकिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जब तक कि आप यह अमाउंट नहीं पे करते तब तक तो आप यह भी नहीं जान पाएंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में किस लोकेशन पे कितने फ्लैट्स अवेलेबल हैं, मतलब कौन सा फ्लैट्स अवेलेबल है। आपको ये पता रहेगा कि नरेला में 500 फ्लैट्स हैं, द्वारका में 100 फ्लैट हैं, ये सब पता रहेगा। वैसे तो द्वारका के लिए स्कीम ही अलग है, यहाँ पे द्वारका की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि द्वारका जो है ई ऑक्शन में है
उसके लिए नीलामी होगी, ई ऑक्शन होगा। हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक लमसम अमाउंट पे करना होगा। लमसम अमाउंट कितना है वह डीडीए बताएगा। फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई वो अमाउंट सबसे पहले हम पे कर दें कि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में पहले नंबर पे आ जाएं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये जो अमाउंट आप पे करेंगे ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में पार्टिसिपेट करने का अमाउंट है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन का अमाउंट पे कर देंगे तो हाँ भाई आप अपनी मनमर्जी का फ्लैट चूज कर लेंगे। फ्लैट तो आप तभी चूज़ करेंगे जब आप बुकिंग करेंगे। अब बुकिंग करने का अमाउंट क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको डीडीए की वेबसाइट पे अपना पैन नंबर रजिस्टर्ड करना होगा और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए एक लमसम अमाउंट पे करना होगा। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे डीडीए के स्कीम में पार्टिसिपेट होने के लिए। फ्रेंड्स डीडीए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कम से कम 7-8 दिन का टाइम देगा। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन एक दिन में करना है, दो दिन में करना है, जब तक स्कीम चलेगी तब तक भी आप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि भाई अभी मैं एक महीने बाद फ्लैट लूँगा, 40,000 फ्लैट्स हैं, तो एक महीने बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना। ऐसी कोई मारामारी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले ही करना है। जब डीडीए अपना ब्रोशर लॉन्च करता है तो लोग क्या करते हैं फटाफट पहले कि भाई रजिस्ट्रेशन कर लें। अब ऐसे में क्या होता है, एक बार काफ़ी लोग डीडीए की वेबसाइट को हिट करते हैं तो उनका अमाउंट तो डेबिट हो जाता है अकाउंट से, लेकिन उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इस बात से बच के रहिएगा। और ये अमाउंट भी 6-6 महीने बाद आता है, पहले बता दे रहा हूँ। डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में भी हमने देखा था और 22 में भी देखा था। तो इस चीज़ से बच के रहिएगा, एकदम से हबड़ दबड़ मत करिएगा, एकदम से जल्दबाजी मत करिएगा कि भाई सबसे पहले मैं ही रजिस्ट्रेशन कर दूँ। रजिस्ट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब बुकिंग आप पहले कराएंगे तब उससे फ़र्क पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए डीडीए टाइम देगा, उसके बाद बुकिंग डेट डीडीए अपने ब्रोशर में बताएगा कि किस डेट से बुकिंग स्टार्ट होगी। क्या पता 1 सितंबर से डीडीए अपनी बुकिंग स्टार्ट कर दे, जैसे कि 19 तारीख को डीडीए ब्रोशर निकालता है, उसके बाद बोलेगा कि हाँ भाई इस दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। मान लीजिए बोल देता है कि 22 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है 22 अगस्त से लेके 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करो, 1 तारीख को स्कीम स्टार्ट होगी, मतलब बुकिंग स्टार्ट होगी। ऐसा कर सकता है जब तक डीडीए का ब्रोशर नहीं आता। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि इनकम क्राइटेरिया की। फ्रेंड्स EWS को छोड़ के आपको किसी भी तरह का फ्लैट लेना हो उसमें किसी भी तरह की इनकम लिमिटेशन नहीं है। कितनी भी इनकम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक वो आप LIG ले रहे हैं, MIG ले रहे हैं, HIG ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, लेकिन EWS में मतलब EWS फ्लैट्स में इनकम का एक क्राइटेरिया है। आपकी टोटल फैमिली इनकम एनुअली मतलब एक साल में 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी एनुअली इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आप EWS फ्लैट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है, इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, फैमिली इनकम से मेरा मतलब है यदि आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड वाइफ की इनकम टोटल मिला के 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके फादर मदर और आपकी इनकम मिला के टोटल 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक साल की। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डीडीए के EWS फ्लैट्स का। फ्रेंड्स बहुत से लोगों का क्वेश्चन यह होता है कि मेरा तो दिल्ली में पहले से एक फ्लैट है या पहले से एक मकान है तो क्या मैं डीडीए के इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? जी हाँ फ्रेंड्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास दिल्ली के अंदर एक फ्लैट है, दो फ्लैट है, 10 फ्लैट है, आप डीडीए की इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि डीडीए ने जो ये क्राइटेरिया था इसको चेंज कर दिया था 2023 में, तो अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने फ्लैट्स हैं दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं बुकिंग अमाउंट की कि भाई फ्लैट की बुकिंग अमाउंट कितना रहेगा। फ्रेंड्स यदि आप EWS फ्लैट बुक करते हैं तो बुकिंग अमाउंट रहेगा 50,000 रुपये। मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, 2024 में डीडी अपने ब्रोशर में हो सकता है इसको बढ़ा दे, अदरवाइज बढ़ाएगा नहीं, वैसे उम्मीद नहीं है कि बढ़ाएगा। तो EWS का बुकिंग अमाउंट है 50,000 रुपये, LIG का बुकिंग अमाउंट है 1 लाख रुपये, MIG का बुकिंग अमाउंट है 4 लाख रुपये और HIG का बुकिंग अमाउंट है 10 लाख रुपये। और ये बुकिंग अमाउंट जब आप पे करेंगे तभी आपके फ्लैट की बुकिंग होगी, लेकिन ये बुकिंग अमाउंट जो है वह एडजस्टेबल होगा। आप जब फ्लैट की पेमेंट करेंगे तो उसमें से ये बुकिंग अमाउंट जो है कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, यदि आप मान लीजिए आपने 12 लाख का EWS फ्लैट बुक कर लिया, 50,000 रुपये पेमेंट कर दी, लेकिन दो महीने के अंदर यदि आप बाकी के 11.5 लाख रुपये डीडीए को नहीं देते,
नहीं देते तो आपके 50,000 रुपये डूब जाएंगे। यदि आप फ्लैट सरेंडर भी कर देते हैं तब भी आपके 50,000 रुपये डूब जाएंगे। समझ रहे हैं बात मेरी? बुकिंग अमाउंट जो है नॉन रिफंडेबल है, एडजस्टेबल है बट नॉन रिफंडेबल है। आपके फ्लैट की कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगा लेकिन रिफंड नहीं हो सकता, ये ध्यान रख लेना। चाहे आप MIG फ्लैट की बुकिंग करें, HIG फ्लैट की बुकिंग करें या फिर LIG या EWS फ्लैट की बुकिंग करें, आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ के फ्लैट की बुकिंग करना। कहीं आप सोच रहे हो हाँ भाई लोन ले लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, पता चले लोन ही ना मिले, तो ये सारी चीज़ें माइंड में कंसिडर करके चलना, तभी आप अपने फ्लैट की बुकिंग करना। फ्रेंड्स, जब अपने फ्लैट की बुकिंग करेंगे ना, जब DD अपना ब्रोशर लॉन्च करता है तो उसके बाद 10 दिन का लगभग टाइम मिलेगा। आप एक बार फ्लैट जाके देख जरूर लेना, बिना देखे फ्लैट की बुकिंग मत करना। मतलब पर्टिकुलर फ्लैट ना सही, आप उस सोसाइटी को देख लेना। जैसे नरेला में बुक करने जा रहे हैं तो देख लेना भाई नरेला का फ्लैट कहाँ पे है, आसपास की लोकेशन देख लेना, ये सब चीज़ें आप देख लेना। कहीं किसी यूट्यूबर के कहने पे या फिर किसी रिश्तेदार के कहने पे आपने फ्लैट की बुकिंग कर लेना तो उसके बाद परेशान होंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। किसी को वो लोकेशन पसंद है, किसी को नहीं है, तो एक बार आप देख जरूर लेना। अदरवाइज़ मेरे चैनल पे हर लोकेशन की वीडियो ऑलरेडी पड़ी है। 2023 में मैंने उसकी विजिट कराई थी, 2022 में मैंने उसकी विजिट कराई थी और 2024 में भी करा देंगे, इसकी मान दो। तो उसके साथ साथ, मतलब विजिट के साथ साथ, मैंने आपको उन फ्लैट्स की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एक एक चीज़ मैंने बताई है। आप उन वीडियोस को सर्च करके देख लेना, आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो एक बार देख जरूर लेना। अब आते हैं फाइनली, जो हम बात कर रहे थे कि हम इंडियंस ऐसा सोचते हैं कि फ्लैट में या घर में या प्रॉपर्टी में वन टाइम पैसा डालो, 10 साल तक भूल जाओ, 10 साल में डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको मैं एक्सेप्शनल केस बताता हूँ, दिल्ली का। फ्रेंड्स, दिल्ली में कई फ्लैट्स ऐसे हैं, कई लोकेशन के ऐसे फ्लैट्स जो कि DDA इस स्कीम में भी शामिल करने जा रहे हैं, जिनकी कॉस्ट बढ़ी नहीं है, कम हुई है। रामगढ़ के फ्लैट्स जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास में है, उधर GT के बाईपास का मेट्रो स्टेशन पड़ता है, एकदम पास में, वॉकिंग डिस्टेंस है। वहाँ के फ्लैट्स DDA पिछले 10 साल से बेचने का प्रयास कर रहा है। फ्लैट्स बिकते हैं, सरेंडर होते हैं, बिकते हैं, सरेंडर होते हैं, यही प्रोसेस चल रहा है। अगर मान लो इतनी हॉट प्रॉपर्टी होती तो DDA 10 साल बाद इस पर डिस्काउंट क्यों दे रहा है? DDA ने दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में इस पर डिस्काउंट दिया। क्यों दिया भाई? जब प्रॉपर्टी 10 साल बाद प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, अब खुद सोच के देखना ये चीज़। इसके अलावा नरेला सेक्टर G7, G8, G6, ये सेक्टर से एक बार आप घूम के देख के आना, उसके बाद ही फ्लैट की बुकिंग करना, यदि आप चाहते हैं यहाँ पे फ्लैट लेना तो। 10 साल से DDA इन फ्लैट्स को बेचने का प्रयास कर रहा है। DDA कितना सक्सेस हो रहा है ये मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा लोकनायकपुरम के LIG फ्लैट्स 12 साल से DDA बेचने का प्रयास कर रहा है, नहीं बिक रहे। इससे सस्ते तो वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर दे रहे हैं, जाके पता कर लेना। मैं लोकनायकपुरम के LIG फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ, EWS के नहीं। ऐसा नहीं है कि DDA की स्कीम में सारे फ्लैट्स ही बेकार हैं, अच्छे फ्लैट्स भी हैं। मेरे चैनल पर आप वीडियोस सर्च करके देखेंगे ना, आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा, बहुत वीडियोस मिलेंगे आपको। DDA पे ही मतलब लगभग 50% से ज़्यादा वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आप देखना, आपको काफ़ी कुछ इस स्कीम से रिलेटेड चीज़ें पता चल जाएंगी, आपको पहले से सारी चीज़ें पता रहेंगी, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, ना ही फ्लैट बुकिंग के लिए, ना ही उसके आगे के प्रोसेस में। एक एक प्रोसेस मैंने काफ़ी डिटेल में बता रखा है। तो यदि आप भी सोच रहे हैं दिल्ली के अंदर अपना घर लेके 10 साल में प्रॉपर्टी का रेट डबल कर लेंगे, तो एक बार सोच समझ के लेना, देख लेना। ऐसा नहीं है कि सब फ्लैट्स बेकार हैं, हो सकता है आपको आपके ख्याल से बहुत अच्छे फ्लैट्स होंगे, हो सकता है। हर किसी की अलग अलग चॉइस होती है, मैंने आपको बताया है, किसी को पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते। द्वारका की तो खैर बात ही अलग है, वो तो ऑक्शन में गया, वो तो बेस्ट लोकेशन है, द्वारका से अच्छी लोकेशन कहाँ मिलेगी आपको दिल्ली में, फ्लैट्स उसे बेटर कहाँ मिलेंगे। बाकी नरेला के भी कुछ लोकेशन काफ़ी अच्छी हैं, वहाँ पर फ्लैट्स लेना किसी भी तरह से घाटे का सौदा नहीं होगा। तो जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई है, एक बार उसको मतलब सोच समझ के सारी चीज़ें ध्यान रखना। बाकी जब DDA की स्कीम आएगी, लॉन्च हो जाए, तो तब उसके बारे में फर्दर बात करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।